सबसे पहले जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से गणतंत्र दिवस की एडवांस में सबतिक शुभकामनाएं, ये सब के लिए मंगलमय हो। जी हाँ, अगर बात की जाए तो लगातार पूरे देश में जो है आज तैयारियों को लेकर अगर बात करें गणतंत्र दिवस की, तो लगातार तैयारियां हो रही है। स्कूटी फोर्स हर जगह पर, न्यूज ब्रेक आपको हमारे जितने भी संवाददाता हैं जम्मू कश्मीर में, हम उनसे पूछना चाहेंगे। और सबसे पहले जो कि हम पूछना चाहेंगे, जो कि अगर बात की जाए तो उधमपुर, लेह लद्दाख और कश्मीर को भी देखते हैं हमारे अनिल जी। अनिल जी नमस्कार। अभी आपको बता दूं कि जिस तरीके से 26 जनवरी का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, पाकिस्तान की कायराना हरकत दिन ब दिन बढ़ रही थी, उसी को देखते हुए इस वक्त जो 26 जनवरी का जो पर्व है वो बहुत धूमधाम से मनाने की मंशा को लेके, उसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जो है पूरे एरिया को, पूरे चप्पे चप्पे में फोर्सेज को लगाए, शूटर्स लगाए गए हैं, और जो जांच जिस चरण में ये परेड का होना है, चाहे श्रीनगर की बात करें, आजाद स्टेडियम में, और उधमपुर की बात करें डिग्री कॉलेज में, तो वहां पे चप्पे चप्पे पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं, और अब हर आने जाने पे कड़ी निगाह रखी गई है। जी रखे जी। अनिल जी, अगर बात की जाए तो पब्लिक का कैसा सहयोग है स्कूटी फोर्स को लेके? जी अनिल जी, जिस तरह से आपने पूरी रिपोर्ट दी, खासकर अगर बात की जाए तो पब्लिक का सहयोग कैसा है? पब्लिक के सहयोग की बात करें तो पब्लिक का सहयोग पूरी तरीके से अच्छा चल रहा है, और वही मैं आपको बता दूं कि लोगों का जो रुझान है वो कल गणतंत्र दिवस को देखने में काफी मचल रहा है, और लोगों का कहना है कि हमें कोविड, अगर क्योंकि कई जगह पे ऐसी जगह रखी हुई है कि जहाँ पे की कोविड ने रास्ते बंद किए हुए, उनको गाड़ी ओपन नहीं, गाड़ी नहीं चलने दी जाएगी, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि गाड़ियों का अरेंजमेंट पूरे तरीके से किया गया है, कि किसी किस्म की जो पब्लिक है उनको कोई परेशानी ना हो, और गणतंत्र दिवस देखने के लिए जगह जगह पे वो पहुंचे हुए पूरी तरह से सुरक्षा के बीच में, उनको गणतंत्र दिवस का पर्व जो है मनाया दिया जाए। शुक्रिया अनिल जी। हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं कश्मीर से बशीर अहमद, जो कि पूरी रिपोर्ट बताएंगे किस तरह से गणतंत्र दिवस की कश्मीर में तैयारियां चल रही हैं। रवि जी, पहले मैं आपके व्यूअर्स को नमस्कार कहता हूँ, और सर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में अगर देखा भी जाए तो हर जगह पे चेकिंग कर दी गई, और डांस उतार भी लगाया गया, और पूरे कश्मीर में जो चेकिंग चल रही थी बिल्कुल गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़ी आसानी से मनाया जाएगा। बशीर जी, जिस तरह से कल हमने न्यूज चलाई और कुछ तस्वीरें अपने व्यूअर्स तक और लोगों तक पहुंचाई कि बर्फ में भी किस तरह से जो है इस गणतंत्र दिवस की तैयारियां, जिस तरह से बात की जाए तो रिहर्सल की गई कल, तो बड़ा मन में खुशी महसूस हुई कि किस तरह से बर्फ में भी जो है इस गणतंत्र दिवस को बनाने में कितना उत्साह है लोगों में। जी शुक्रिया बशीर अहमद जी। हमारे साथ जुड़ रहे राजीव पुंछ से, जो हमारे संवाददाता हैं जेके न्यूज ब्रेक के।
जी राजीव जी बताइए किस तरह से तैयारियां चल रही हैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट में? राजीव जी जिस तरह से बात की जाए तो हाई डाउट हुआ असला, जिस तरह से हमारी स्कोटी फोर्स लगातार जो है इन दिनों में सर्चिंग और कार्डन जो ऑपरेशन लगातार कर रही है और गणतंत्र दिवस को लेकर प्रॉपर हर जगह पर चेकिंग हो रही है, और इस पर अगर बात की जाए तो म्युनिसिपैलिटी का क्या रुझान है? जी शुक्रिया राजीव जी, शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हमारे जी हाँ जम्मू से कुणाल जी जो कि पूरी रिपोर्ट बताएंगे किस तरह से म्युनिसिपैलिटी और लोग किस तरह से सहयोग कर रहे हैं और खासकर स्कोटी फोर्स के इंतजाम है, जिस तरह से ट्रैफिक एसएसपी ने बयान दिया कि प्रॉपर लोग जो है एसओपी की पालना भी करें, और खासकर अगर बात की जाए तो जो भी इस फंक्शन में आए वो प्रॉपर तरीके से आए, मास्क पहनकर आए, और खासकर उन्होंने कहा कि जहां भी गाड़ी रोकी जाती है वहां गाड़ी रोकी जाए ताकि स्कोटी फोर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। कल जो 72 पब्लिक डे है उस तरह को लेके इस समय भी जो हमारी सुरक्षा बल है वो पूरे तरीके से तैनात है, चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है, आने जाने वाली वाहन में भी चारों रखी जा रही है। हमारे जो जम्मू के एसएसपी जम्मू क्षेत्र पाटिल जी है वो अभी भी इस टाइम पे जो राउंड में कॉन्टिन्यू राउंड लगाए जा रहे हैं, आने जाने गाड़ियों पे कर चले जा रही है। कुणाल जी अगर बात की जाए तो म्युनिसिपैलिटी का कैसा सहयोग है, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? जी कुणाल जी अगर बात की जाए तो जिस तरह से स्कोटी फोर्स लगातार चेकिंग पे चेकिंग और खासकर अगर हर चौराहे पर चेकिंग और पब्लिक का सहयोग किस तरह से है? किया जाए आने वाली चेकिंग की जा रही है, जो हमारे लोग हैं वो भी पूरे अच्छे से चेकिंग करवा रहे हैं। अभी कल भी आप परसों भी देखिए बस स्टैंड के ऊपर थोड़ा सा वो लगा था, हमारे को कहीं एक रास्ते पे बैक वगैरह मिला था, पूरे चेकिंग की थी, ऐसा कुछ नहीं मिला उनको, वहाँ पे पूरी अच्छी से सिक्योरिटी वेपन के साथ पूरे तैयार किया, दिया कि जवान पूरे रेडी है, आने जाने वाले गाड़ियों पे पूरी सिक्योरिटी टाइट है, एक टाइम भी आप चेकिंग कर सकते हैं। जी 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 कुराल जी जिस तरह से अगर बात की जाए तो स्कोटी फोर्स गतिविधि पर नजर रख रही है, जिस तरह से गणतंत्र दिवस को बनाने के लिए हर व्यक्ति जो है उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है, और जिस तरह से कुणाल जी ने जम्मू से रिपोर्ट दी, जी हाँ ग्राउंड रिपोर्ट दी कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और पूरा देश जो है इस समय गणतंत्र दिवस को बनाने के लिए उत्साह की तरह जी हाँ तैयार, और कहीं ना कहीं हर डिस्ट्रिक्ट में हमने आपको बताया हमारे जितने भी संवाददाता हैं उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट दी कि किस तरह से तैयारियां हैं गणतंत्र दिवस की।
अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं नौशेरा सेक्टर से, जी हाँ, मोहनलाल चिपर जी। मोहनलाल चिपर जी, बताइए किस तरह से म्युनिसिपैलिटी और खासकर नौशेरा सेक्टर में किस तरह से तैयारी चल रही है? जी मोहनलाल जी प्रति, बताइए कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो जेके न्यूज ब्रेक हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर रखता है, और जिस तरह से अगर बात की जाए तो हाईवे पे आने जाने में क्या जो है चेकिंग प्रॉपर हो रही है? और जिस तरह से मोहनलाल जी बताइए कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो फिर एक्टिविटी को इस बार जो है रखा गया है ताकि बच्चे भी जो है देशभक्ति के गीत और लोगों का जो है जिस तरह से रुझान होता है कि कल्चर एक्टिविटी हो, तो इस बारे में जो एडमिनिस्ट्रेशन ने इनिशिएटिव लिया है कि कल्चर आइटम्स भी होंगी, तो क्या कहेंगे, क्या नौशेरा में भी है? जी जी मोहनलाल चिपर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खासकर हमारे पूरे रिपोर्टर्स जो कि हमारे संवाददाता, अगर बात की जाए तो अनिल जी जो कि लेदाख और उधमपुर कठुआ वगैरह देखते हैं, किस तरह से उन्होंने तफसील से बताया, और खासकर पूरी तरह से आप तक हमने ये प्रोग्राम बताया कि किस तरह से तैयारियां चल रही है। जी हाँ, BSF में भी आज जो है वैक्सीनेशन हुई। जम्मू में फ्रंटियर अगर बात की जाए हॉस्पिटल जम्मू में, जिसमें IG जम्मू ने की इनॉगरेशन। वैक्सीनेशन के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है हमारे BSF में। हमारे IG साहब ने, मिस्टर NS जुमवाल ने इनिशिएटिव लेके हमें कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करिए और प्रायोरिटी पे जवानों को वैक्सीनेशन करवाइए। जम्मू कश्मीर पावर इंप्लाइज्ड इंजीनियर कॉरपोरेशन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अनाउंस किया कि 3 फरवरी को प्रदर्शन किया जाएगा नॉन हेल्डलिंग और DPC एंड प्राइवेटेशन ऑफ पावर। मैं सचिन टिकू, कन्वीनर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से आज यहां प्रेस क्लब के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार को एक मैसेज देना चाहता हूं कि 3 फरवरी 2021 को
अगर हमारे पीडीडी डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन का मुद्दा और उनका अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया तो हमारा 3 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन रखा गया है, जिसका कि आगे इंडेफिनेट तौर पे उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगर हमने वहां तक ये देखा कि गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारे जो 23 साल से डेली वेजर हैं, जिनका कि वैकेंसीज भी अवेलेबल है, देर आर थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन द पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करेंटली विच कैन बी यूटिलाइज फॉर द रेगुलराइजेशन ऑफ द डेली वेजेस। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से SRO 43 के तहत बच्चों को लगाया जाता है, उसी प्रकार जो है 120 बच्चों ने जो कि फाइल्स लगाई हुई हैं और 5-6 साल हो गए हैं लगातार जो है वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, क्योंकि हमारा फ्यूचर जो है खत्म होने को है, हमारी एज जो है कहीं ना कहीं बढ़ रही है और हम और डिपार्टमेंट भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारी उम्मीदें जो है इन फाइलों से जुड़ी है। सर, हमारा ये कहना है कि हमारे कुछ केसेज हैं SRO 120 के जो सेक्रेटरेट में है GAD डिपार्टमेंट में और वहाँ पे पिछले 2 साल से वहीं पड़े हुए हैं, उन पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, वो फाइलें वहीं हैं। जब किसी के पास जाओ वो यही कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब का अभी आर्डर नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे केस जो हैं वो सेटल किए जाए और हमें अपॉइंट किया जाए SRO 120। जम्मू टू होस्ट ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन टू बॉलीवुड गायक और पोएट्स ऑफ कंट्री टू पार्टिसिपेट 72 रिपब्लिक डे के उपलक्ष में 2 दिन का मेगा इवेंट जम्मू में कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस 2 दिन का हमारे यहाँ पर जो है कौमी मुशायरे का अहतमाम किया जा रहा है। 27 तारीख को जो होगा उर्दू मुशायरा होगा और 28 तारीख को जो है हिंदी कवि सम्मेलन होगा। ये 3:30 बजे शुरू हो जाएगा जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जम्मू यूनिवर्सिटी में। इसमें जो है बहुत बड़े नामी ग्रामी शोरा जो हैं अपने मुल्क से तशरीफ ला रहे हैं, हिंदी वाले में भी और उर्दू वाले में भी। इसके अलावा जो हमारे अपने लोकल पोइट्स हैं पीछे उर्दू में और हिंदी में वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो 5 नए जो यंग उभरते हुए पोइट्स हैं हिंदी में और 5 उर्दू में, उनको भी यहाँ पर अपना कलाम पेश करने का मौका मिलेगा। रोड सेफ्टी मंथ की बात की जाए तो जिस तरह से लगातार अवेयर किया जा रहा है लोगों को कि किस तरह से हमने सड़क हादसे रोकने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसी वारदात सामने आती है, आज हम कुछ तस्वीरें आपको बताएंगे। एक ट्राला जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ पलट गया, जी हाँ, मार्बल मार्केट जम्मू में, और वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि ड्राइवर अकेला था और नशे में चूर था, क्या फायदा इतना। जिस तरह से सरकार ने रोड सेफ्टी वीक को बढ़ाकर रोड सेफ्टी मंथ कर दिया, ताकि एक हफ्ता पहले अवेयर किया जाता था, आज उसको बढ़ाकर 1 महीना कर दिया, ताकि लोगों को पता चले कि सड़क दुर्घटना कैसी रोकी जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो ड्रिंक करके गाड़ी ड्राइव करते हैं वो दुर्घटना को अंजाम देते हैं। आइए दिखाते हैं तस्वीर और लोगों की बात। और ये ड्राइवर जो है इसने फुल नशा किया था, बिल्कुल उसको होश नहीं था, कन्ने सिंगल बंदा था, पूरा लोड 16 टायर वाला ट्रक है बड़ा, उसमें फुल ट्रक है, वो फुल भरा हुआ है, फुल भरा हुआ बिल्डिंग के साथ भरा है, बिल्डिंग के पूरे फुल अल चुकी है और बच्चे जो ना अपने करवाई गए रहे सारे के। नुकसान तो थोड़ा कम गया है, थोड़ा शटर वगैरह टूट गया ऊपर से और दोबारा मकान हली गया, बाकी और कुछ नहीं, इतना नहीं नुकसान हो। हाँ, कोई नहीं आया इधर, कोई रात को पुलिस आई थी और ड्राइवर को ले गए, गाड़ी में बैठा गए। COVID-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें तो पहले फ्रंट लाइन वर्कर को, जी हाँ, वैक्सीनेशन की जाएगी, इसी प्रोग्राम को लेकर स्टार्ट किया गया आज मेंडर में।
एसडीएम अगर बात करें मेंडर डॉक्टर साहिल जंडियाल और बीएमओ मेंडर परवेज खान की कयादत में, जैसे कि आप जानते हैं कोरोना वैक्सीन का जो शुरुआत हुई है, स्कूटी को लेकर पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी स्कूटी फोर्स हर नाके पर कर रही है चेकिंग। जी हाँ, गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों का भी सहयोग देखने को मिला। स्कूटी फोर्स लगातार जो है आने जाने पर नजर रख रही है और खासकर हम अपने देशवासियों को मुबारकबाद देंगे कल आने वाले कल जो गणतंत्र दिवस है उसकी शुभकामनाएं सबको। लेकिन हम सबको चाहिए कि स्कूटी का जो कि सहयोग करें, जिस तरह से अगर बात की जाए तो चेकिंग की प्रॉपर आप जहां नाका होता है वहां खुद खड़े होकर अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट और अपना परिचय पत्र दिखाएं ताकि हमारी स्कूटी फोर्स को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्कूटी फोर्स चाहती है कि हम लोग जो है सुरक्षित रहें और हर त्योहार जो है उसे अच्छी तरीके से बनाएं, और इसे तभी हो सकता है कि हम लोग जो है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के जो गाइडलाइन है उस पर हम चलें। और खासकर अगर बात करें तो स्कूटी फोर्स जो है दिन रात जो है नाकों पर तैनात, खासकर एसएसपी राजौरी चंदन कोहली के निर्देश है कि कोई भी नाका जो है उससे कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति है उसकी हर गतिविधि पर रखी जाए नजर। रिपब्लिक डे को लेकर लगातार हर चौराहे पर चेकिंग जारी। जी हाँ, देखिए किस तरह से लगातार हमारी स्कूटी फोर्स लगातार जो कि आने जाने वाली गाड़ी पर रख रही है नजर, और उनके डॉक्यूमेंट और आने जाने यात्री जो है उनका आई कार्ड चेक किया जा रहा है। देखिए किस तरह से जम्मू पुंछ हाईवे पे ये जो सलानी ब्रिज की चौकी है इस पे देखा जाए तो हमारी स्कूटी फोर्स लगातार चेकिंग कर रही है और रिपब्लिक डे को लेकर भी चेकिंग हो रही है। लेकिन आम दिनों भी देखा जाए तो एसएसपी चंदन कोहली जो है हमारे, उन्होंने जो है प्रॉपर निर्देश जारी किए हुए हैं कोई भी गाड़ी जो है बिना चेकिंग के नहीं जानी चाहिए। और कल रिपब्लिक डे के उपलक्ष पर तो हैवी चेकिंग हो गई है और लगातार जो कि गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। कैमरामैन से हम आग्रह करेंगे वो बताएगा किस तरह से हमारी स्कूटी फोर्स जो है लगातार चेकिंग कर रही है आने जाने वाले लोगों पर, और खासकर देखा जा रहा है देखिए किस तरह से गाड़ी को प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है और डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, और देखिए हमारी स्कूटी फोर्स किस तरह से तैनात है यहाँ पे। अगर बात की जाए तो रिपब्लिक डे के उपलक्ष पे हर देशवासी को चाहिए कि हमारी स्कूटी फोर्स जैसे गाइड करती है वैसे ही चले, क्योंकि रिपब्लिक डे पे कोई खलबली ना मच सके। जी हाँ, अगर बात की जाए तो हमारा भी देशवासियों का भी फर्ज बनता है कि अपनी गाड़ी को खुद चेक करवाएं और अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाएं ताकि स्कूटी फोर्स जो काम कर रही है वो हमारे लिए ही कर रही है। और कल रिपब्लिक डे है और इसके उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि सभी देशवासी हर चेक पॉइंट पर प्रॉपर अपनी गाड़ी चेक करवाएं, डॉक्यूमेंट चेक करवाएं और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन स्कूटी फोर्स का सहयोग करें। राकेश तारा, जेके न्यूज ब्रेक, राजौरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लीड नेशनल वोटर डे सेलिब्रेशन इन जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटर वोटर डे प्लाज इनॉग्रेशन निर्वाचन भवन जम्मू। राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू निर्वाचन भवन का उद्घाटन किया। गवर्नर जनाब फारूक खान साहब और चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री बीबीथियों से विनम्र निवेदन है कि वो पारंपरिक दीप प्रज्वलन के लिए सजगता। जैसे बताया गया आपको कि भारत निर्वाचन अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाएं, अपने वोट की श्री शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य। जैसा बताया गया, जागरूक, सुरक्षित और सतर्क
अब हम सब ने वोट लेनी है। मेरा अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए त्रिक परंपराओं की एवं शांति ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री फारूक खान साहब को प्रादी ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर संजय जी के बाद मोहम्मद अशमले जावेद है। बांडीपुरा पुलिस ने यातायात के लिए अगर बात करें तो ये कोशिश की है कि रोड क्लियर हो और रोडों पे छाई है स्नोफॉल और कहीं ना कहीं जो है रोड जो है स्नोफॉल के गिरफ्त में, लेकिन पुलिस विभाग लगातार जो गाड़ियां आने जाने वाली हैं उनको जो है प्रॉपर निकालने में उनकी मदद कर रही हैं। और कुछ तस्वीरें हम आपको ऐसी बताएंगे कि उन्होंने रोडों पे नमक छिड़का, जी हाँ, जिसे जो का स्लिप जो है कम हो जाती है और यातायात में परेशानी कम होती है। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट किस तरह से स्कूटी फोर्स हर जगह तैनात और हर व्यक्ति को जो है सहायता प्रोवाइड कर रही है। न्यूज ब्रेक की ग्राउंड रिपोर्ट, प्रॉपर चेक, जी हाँ, किस तरह से किया जा रहा है हाईवे राजौरी पुंछ रोड में, किस तरह से हमारी स्कूटी फोर्स तैनात और हर आने जाने पर नजर, जी हाँ, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट और किस तरह से तैनात है और हर आने जाने पर किस तरह से नजर रखी जा रही है। रिपब्लिक डे की बात करें तो पूरा देश इस समय जो है कल की तैयारियां कर रहा है कि किस तरह से इस रिपब्लिक डे को बनाना है। जी हाँ, सबसे पहले जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से आप सबको रिपब्लिक डे की एडवांस में मुबारक है। जी हाँ, हम अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि वो बताएंगे कि किस तरह से जोरों शोरों से डीपीएल ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट राजौरी में किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। सामने एक वेस्टर्न पवेलियन बनाया गया है जहां लोग बैठेंगे, एक तरफ ईस्टर्न पवेलियन और दूसरी तरफ वेस्टर्न पवेलियन। किस तरह से देखिए जो ग्राउंड जो है पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं। डिपार्टमेंट की बात करें तो खासकर पुलिस विभाग जो है इस पे लगातार जो है दो तीन दिन से काम कर रहे हैं और खासकर म्यूनसिपलिटी भी इस बात को लेकर जो कि प्रॉपर तरीके से साफ सफाई और इस दिन को बनाने के लिए जी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, पूरा देश जो है इस समय रिपब्लिक डे को बनाने के लिए तैयारियां कर रहा है। सामने देखिए किस तरह से पवेलियन बैठेगी, लोग यहाँ से आएंगे। अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्कूल के बच्चे जो कि मार्च पास करेंगे और हमारे सैनिक भी जो हैं, खासकर अगर बात की जाए तो सामने ही कैमरामैन बताएगा कि यहाँ पे जो है बड़े ऑफिसरों का आगमन होगा और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो फ्लैग होस्टिंग भी की जाएगी डीसी राजौरी की तरफ से रमेश के सावन। जी हाँ, वो कल जो है यहाँ सलामी लेंगे और इस रिपब्लिक डे में जो है जो भी लोग आए, हमारी यही गुजारिश है कि कहीं ना कहीं आप एसओपी की पालना प्रॉपर करें। जी हाँ, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा पालन रखें ताकि हमारा रिपब्लिक डे भी अच्छी तरह इस तरीके से बने और हम किसी इन्फेक्शन से भी जो है लिप्त ना हो। जी हाँ, अगर बात की जाए तो हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि वो बताएंगे कि किस तरह से प्रॉपर जो है पवेलियन के लिए पवेलियन में बैठने के लिए चेयर्स वगैरह का पूरा प्रबंध किया गया है और खासकर अगर बात की जाए तो स्कूटी फोर्स लगातार जो है इस दिन को बनाने के लिए जो है तैयारियां कर रही है और हम चाहते हैं कि जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं हम सब लोगों को कॉपरेट करना होगा। खासकर अगर बात की जाए तो अपनी गाड़ी जहां भी हमारे पुलिस कर्मी अगर गाड़ी रोकते हैं तो अपना फर्ज निभाएं, गाड़ी प्रॉपर चेक करवाएं ताकि वो अपनी ड्यूटी भी कर सकें और हमारे इस प्रोग्राम में कोई खलमली ना मचे। जी हाँ, अगर बात की जाए तो SSP चंदन कोहली इस पर जो है कड़ा कदम और निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी कमियां नहीं होनी चाहिए। खासकर अगर बात की जाए तो जितनी लिंक्स रोड्स हैं जहां पर भी हमारी चौकी हैं वहां पर हर गाड़ी पर आने जाने पर नजर रखी है और प्रॉपर चेकअप किया जा रहा है। जी हाँ,
अगर बात की जाए तो हमें इस दिन को बनाना है और साथ कहीं ना कहीं खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है, मास्क पहन कर आना है ताकि हम इस रिपब्लिक डे को भी बना सकें और साथ जो बीमारियां हैं उनको कहीं ना कहीं दूर रखें। जी हाँ, हम चाहते हैं कि इस दिन को हम खुशी से बनाते हैं। बड़ी देर के बाद ये यहाँ जो है कल्चर आइटम्स वगैरह भी होंगी और ख़ासकर डीसी राजौरी जो कि रमेश के सावन जो हैं उन्होंने साफ निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी जो है एसओपी की उल्लंघना करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस पर अगर म्यूनसिपलिटी की बात करें तो प्रॉपर जो है हर गली हर चौराहा जो है इस समय साफ करके रखा है क्योंकि कल का दिन महत्व दिन है, पूरा देश जो है रिपब्लिक डे बना रहा है और खासकर राजौरी म्यूनसिपलिटी की बात करें तो हर चौक हर चौराहा जो है इस समय बिल्कुल साफ है क्योंकि हर जगह जो है तिरंगा लहराया जाएगा। और साथ हम बताते चले जेके न्यूज़ ब्रेक की तरफ से कि खासकर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी सतर्क है और हम लोगों को भी जो है इनका साथ प्रॉपर देना चाहिए। इस रिपोर्ट में जानिए एसएसपी ट्रैफिक जम्मू, जी हाँ कल क्या रहेगा, किस तरह की पाबंदियां रहेंगी और किस तरह से हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करना है। खासकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से गणतंत्र दिवस है कल और हमें जो है सिक्योरिटी फोर्स और अपना जो है बचाव करके ही इस त्योहार को मनाना है। जी हाँ, अगर बात की जाए तो एसओपी की पालना जरूर करें, मास्क सैनिटाइजर जो है प्रॉपर अपने साथ रखें क्योंकि हमने गणतंत्र दिवस भी बनाना है और साथ अपनी साथ वाले लोगों को उनका बचाव भी करना है, खुद का बचाव और लोगों को बचाव। जी हाँ, हम नहीं चाहते कि कोई बड़ी जो कि इन्फेक्शन फैले और इससे हर व्यक्ति को चाहिए कि खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं और गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाएं। ट्रैफिक पुलिस जम्मू जो है हमने अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं कांस्टेबल्स हैं सभी को कल के लिए स्पेशल ब्रीफ दी है कि लोगों को हमने कंस्ट्रक्ट करना है और हम ये चाहते हैं कि लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। तमाम जम्मू सिटी जो है जिसको इन्विटेशन है या कोई देखना चाहता है अगर कहीं दिक्कत आती है ट्रैफिक पुलिस से कॉन्टैक्ट करें। विक्रम चौक के आगे जो है ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन रहेगी, अगर आप दुमाना कलाकिल वाली साइड से आएंगे तो केनाल हेड तक जो है वो तो उसके आगे जो है ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन रहेगी। फॉर्चून रिवेरा तक की गाड़ी लगेगी उसके आगे रेस्ट्रिक्शन रहेगी। कोई 14 के करीब जो है वो पार्किंग स्लॉट्स का इंतजाम किया गया है जिसमें कि जो जो कार्ड दिए गए हैं वो उसी कलर का कार्ड जो है वो पार्किंग में अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा एसआरटीसी के जो मैनेजर हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बसों का इंतजाम किया गया है, तो मीरा साहब है कला के लगवाना नरवाल वहाँ से जो फ्री बसेज जो है वो चलाई जाएंगी ताकि जो दर्शक देखने आ रहे हैं उनको फैसिलेट किया जाए। लेकिन नेशनल हाईवे आपका फ्री है, गुर्जर नगर वाला ब्रिज जो है वो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन है, उसमें आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। भगवती नगर वाला जो फोर्थ ब्रिज है जो विक्रम चौक को कनेक्ट कर रहा है रस्ते वो बिल्कुल आपके लिए ट्रैफिक के लिए बिल्कुल फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, उसके ऊपर उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि दोनों ब्रिज जो है आने जाने के लिए। देखिए हमारी टीम जो है हर जगह तैनात है, ट्रैफिक पुलिस जो है काम कर रही है, वायलेशन को चेक कर रही है और साथ साथ में मीडिया के थ्रू हम एजुकेट भी कर रहे हैं लोगों को कि ट्रैफिक नियमों को समझना बहुत ज़रूरी है, ये आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है। अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं आप अपनी जान तो खतरे में डालेंगे ही, साथ साथ में जो रोड पे पैदल चल रहे हैं उसकी जान को भी खतरा रैश ड्राइविंग से रहता है, ऐसा ना करें, आपके खिलाफ सबसे कार्रवाई होगी। हेलमेट पहनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ट्रैफिक पुलिस जो है जो सड़कों पर रेगुलेट कर रही है, हमारा मकसद यही रहता है कि अगर आप घर से निकले हैं सुबह काम काज के लिए तो शाम को सुरक्षित लौटें अपने परिवार के पास, उसके लिए सड़क पर रेगुलेशन चेक करना ये हमारी बेसिक ड्यूटी है और ट्रैफिक पुलिस को कोऑपरेट करें। पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे जो हैं जब घर से निकलें ये चेक करें कि क्या वो हेलमेट पहन के जा रहे हैं, अगर वो गाड़ी चला रहे हैं फोर व्हीलर क्या वो फोर व्हीलर प्रॉपरली मेंटेन्ड है, क्या उसकी हेडलाइटें चल रही हैं, क्या उसमें टायरों में जो प्रॉपर एयर प्रेशर है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेसिक इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सीडेंट जो है उसको कम करने के लिए वो एक ही तरीका है कि मोबाइल जो है वो यूज़ ना करें ड्राइविंग के बाद, ड्रिंक एंड ड्राइव अवॉइड करें और अगर फॉगी सीजन है जैसे फॉग पड़े उसमें कोशिश करें कि ना निकल जाता कि मौसम क्लियर नहीं हो जाता। दूसरा, अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं सड़क हादसों की बात करें तो नौशहरा से एक रिपोर्ट आ रही है, नौशहरे में एक
सड़क हादसा हुआ जिसमें मिनी बस जो कि लंबेड़ी से नौशहरा जा रही थी 12 लोग हुए घायल जिन्हें नौशहरा हॉस्पिटल में किया गया दाखिल। बस मिनी बस नंबर जेके 11-63-11। जी हाँ, लगातार जो है जिस तरह से पहले भी हमने बताया कि रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है और ड्राइवर लोगों को हिदायत दी है कि प्रॉपर तरीके से आप चले ताकि कोई दुर्घटना ना हो, लेकिन फिर भी आज के दिन 2 दुर्घटनाएं हुई हमने आपके समीप रखी और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति अवेयर हो कि जिस तरह से सरकार ने एक हफ्ते से बढ़ाकर जो कि 1 महीना कर दिया है ट्रैफिक मंथ कर दिया है रोड सेफ्टी वीक का, जो कि रोड सेफ्टी वीक था और अब रोड सेफ्टी मंथ हो गया है और हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज़ ब्रेक।